हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ जूलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंसेक्ट लेग्स के बारे में। इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो लेग्स प्रेजेंट होती हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं रिगार्डिंग देयर हैबिटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसेक्ट कैन बी डिफाइन एज इंसेक्ट आर दोज एनिमल्स दैट कंटेन थ्री पेयर ऑफ लेग्स। इंसेक्ट बेसिकली वो एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर थ्री पेयर होते हैं लेग्स के। वो लेग्स जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द हेड, उनको हम कहते हैं फ्रंट लेग्स। वो लेग्स जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं उनको कहते हैं मिड लेग्स, जबकि वो लेग्स जो कि लास्ट बॉडी पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको हाइंड लेग्स कहते हैं। सो थ्री पेयर मौजूद हैं, फ्रंट लेग्स, मिड लेग्स एंड हाइंड लेग्स। लेग के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है जहां से लेग बॉडी के साथ कनेक्ट होती है, इंसेक्ट की बॉडी को जोड़ती है, इसको हम कहते हैं कॉग्जा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है इसको कहते हैं ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर से लार्जर पार्ट होता है फीमर, फिर टीबिया, फिर टॉर्सस। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट लेग। हियर इज द की डायग्राम ऑफ इंसेक्ट लेग। द फर्स्ट पार्ट इज द कॉग्जा, द सेकेंड पार्ट इज द ट्रोकेंटर and the third larger part is the femur. Next to the femur there is a tibia, tarsus, pretarsus. Pretarsus के आगे ये जो क्ला इसके प्रेजेंट है इसको टॉर्सल क्ला कहा जाता है। और मोस्ट इंसेक्ट के जो क्ला होते हैं इनके सेंटर में एक पैड होता है मेम्ब्रेन का बना, इसको एरोलियम कहा जाता है। टॉर्सो और pretarsus को कलेक्टिवली टॉर्सोमर्स भी कहा जाता है। So this is the key diagram of insect leg and the structure of leg. So यहाँ पे हमारे पास एक इंसेक्ट की लेग की स्लाइड है, हम इसके पार्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन पार्ट इज द कॉग्जा, द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रोकेंटर एंड द नेक्स्ट लार्जर पार्ट इज द फीमर एंड नेक्स्ट वन इज द टीबिया, then tarsus, this is the tarsus and this one is the pretarsus. So ये जो हमारे पास tarsus और pretarsus है इनको collectively tarsomeres भी कहा जाता है। So next, how many types of legs? Legs की types कितनी होती हैं organism के mode of lifestyle के लिहाज से। First one is the ambulatorial legs. Ambulatorial जो word है ये ambulate से निकला है जिसका मतलब होता है walk। इनको वैकिंग लेग्स कहते हैं। ये उन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं जो वॉक को प्रीफर करते हैं, जिनका जो मोड ऑफ लाइफस्टाइल है ये वॉकिंग होता है। सो ये जो लेग्स हैं इनको वॉकिंग लेग्स कहा जाता है। डैट इज़ द फर्स्ट वन टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग, डैट इज आल्सो नोन एज एम्बुलेटोरियल लेग्स। दीज लेग्स आर प्रेजेंट बेसिकली इन कॉटन वुड लीफ बीटल, बॉक्सेंडर बग, टर्निश प्लांट बग। So these insects contain the walking legs. Next one is the cursorial legs. Cursorial mean adapted for running. ये उन इंसेक्टों में पाई जाती हैं जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता है और रनिंग को प्रीफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरिएंटल कॉकरोच, ग्राउंड बीटल, ब्रॉन्ज टाइगर बीटल। दिस इज द ब्रॉन्ज टाइगर बीटल। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर रनिंग लेग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन इज द सल्टटोरियल लेग्स। सल्टटोरियल का मीन होता है लीपिंग और जंपिंग। ये जंपिंग इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड मसल प्रेजेंट होते हैं जो जंप करने में इन ऑर्गेनिज्म की हेल्प आउट करते हैं, स्पेशली एक्सटेंजर मसल, फ्लेक्सर मसल्स। ये वेल अडेप्टेड होते हैं और इसकी मदद से ये ऑर्गेनिज्म जंप करते हैं। दिस इज प्रेजेंट इन ग्रास हॉपर। नेक्स्ट वन इज द स्कैंसोरियल लेग्स, आल्सो नोन एज क्लाइंबिंग लेग्स। ये उन ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं जो क्लाइंब करते हैं। हियर इज द मैग्नीफाइड डायग्राम। ये इसका क्ला प्रेजेंट है जिसकी मदद से ये इसने ब्रांच के साथ खुद को होल्ड किया। सो दिस इज द क्लाइंबिंग लेग। फसोरियल लेग्स, फसोरियल मीन डिगिंग। वो इंसेक्ट जो डिगिंग करते हैं जमीन के अंदर, बरोज के अंदर रहते हैं, उनके अंदर फसोरियल लेग्स प्रेजेंट होती हैं। These are the fossorial legs which is specialized for digging. It is present in southern mole cricket. They have digging legs. Next one is the raptorial
और प्रीडेटरी और ग्रेस्पिंग लेग्स। रेप्टोरियल का मतलब होता है प्रीडेटरी लेग्स, ये उन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो शिकार करते हैं, प्रीडेटरी लाइफ स्टाइल रखते हैं और ऑर्गेनिज्म को एक्टिवली परसू करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। सो दीज आर दी प्रीडेटरी लेग्स। नेक्स्ट वन इज दी नेटोटोरियल। नेटोटोरियल पर्टेनिंग टू स्विमिंग, ये उन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिनका लाइफ स्टाइल जो है वो अक्वेटिक होता है या जो अक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्लिंग बीटल, इनकी जो लेग्स हैं ये मॉडिफाइड हैं स्विमिंग के लिए। स्टिकिंग लेग्स, ये लेग्स जो है वो स्टिक कर जाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो इन ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प आउट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन इज द बास्केट लाइक लेग्स। दीज लेग्स आर प्रेजेंट बेसिकली इन ड्रैगन फ्लाई। दीज लेग्स हेल्प टू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स। बास्केट लाइक लेग्स आल्सो प्रेजेंट इन डैमसेल फ्लाई। क्लास्पिंग लेग्स, फोर लेग्स ऑफ द मेल वाटर बीटल। इन बीटल्स के जो टॉर्सेज होती हैं इनके आगे मॉडिफाइड एडहेसिव डिस्क होती हैं जो मेट को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। दीज आर दी मॉडिफाइड लेग्स डैट हैव एडहेसिव पैड्स एंड दे कैप्चर दी फीमेल विद दीज। फोरेजियल लेग्स, फोरेजियल मीन टू कलेक्ट द फूड। ये भी मॉडिफाइड लेग्स होती हैं और इन मॉडिफाइड लेग्स से ही अपनी फूड को जो है वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन प्रो लेग्स और फेल्स लेग्स और सूडो लेग्स। ये लेग्स एब्डोमिनल लेग्स के ऊपर भी मौजूद होती हैं, यानी एब्डोमिनल रीजन में भी पाई जाती हैं, फ्रंट रीजन में भी पाई जाती हैं और बैक रीजन में भी कुछ इंसेक्ट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। सो हियर इज एग्जांपल ऑफ कटरपिलर। कटरपिलर के एब्डोमिन के नीचे जो भी लेग्स नजर आ रही हैं दीज आर दी प्रो लेग्स और फेल्स लेग्स। सिमिलरली लेग्स ऑफ रूट फीटर वाइट क्रैब। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट लेग एंड वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग्स। थैंक यू सो मच।